हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इस फंक्शन को बताना है ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है, और फंक्शन है साइन स्क्वेयर एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले करिए क्या, ये फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है ना। तो साइन एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होता है, वन के होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वन के इक्वल क्यों है, आप करिए क्या, सबसे पहले आप करिए क्या, देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो को अप्रोच कर रही है, तो दोनों में जीरो रख दीजिए। तो साइन जीरो डिनोमिनेटर में जीरो, तो मेरे पास आंसर क्या आया, जीरो बाय जीरो। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जीरो है, तो आप क्या करिए, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव कर दीजिए, फिर आप लिमिट पुट कीजिए। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है, मैं न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव निकाल लूंगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और नीचे जो डिनोमिनेटर है एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन। अब लिमिट पुट कर रहा हूँ, अब लिमिट पुट करिए, कोस जीरो जीरो, सॉरी कोस जीरो और डिनोमिनेटर में वन, तो आंसर क्या आया, वन बाय वन, दैट इज इक्वल टू वन। तो इसलिए ये जो वन है ये डायरेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है ना। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ, तो ये जो मेरा क्वेश्चन था इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, राइट। साइन क्या है, स्क्वेयर है, ऊपर स्क्वेयर है, तो नीचे भी मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वेयर करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एक्स पहले से ही है, एक से मैंने भाग दे दिया और एक से मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। अब नीचे टू है और ऊपर भी टू था, तो ओवरऑल मैंने सबका स्क्वेयर कर दिया, राइट। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये वाली साइन एक्स बाय एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या है, वन। लिमिट इसकी वैल्यू देखिए, अब साइन एक्स बाय एक्स, इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब जब लिमिट रखेंगे तब थोड़ा और आसान हो जाएगा, देखिए अब लिमिट रख दो, जैसे ही मैं ये जीरो यहाँ पे रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आएगी, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला, ठीक है, गुना एक्स की वैल्यू तो जीरो ही रखनी पड़ेगी, तो वन इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है।